स्वामी विवेकानंद जननाम नरेंद्र नाथ दत्त भारतीय हिंदू सन्यासी और 19वीं शताब्दी के संत रामकृष्ण के मुख्य शिष्य थे। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण दर्शन विदेशों में स्वामी विवेकानंद की वक्तृता के कारण ही पहुंचा। भारत में हिंदू धर्म को बढ़ाने में उनकी मुख्य भूमिका रही और भारत को उपनिवेशक बनाने में उनका मुख्य सहयोग रहा। विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी भारत में सफलतापूर्वक चल रहा है। उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है, जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने हिंदू धर्म की पहचान कराते हुए कहे थे। उनका जन्म कलकत्ता के बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। स्वामी जी का ध्यान बचपन से ही आध्यात्मिकता की ओर था। उनके गुरु रामकृष्ण का उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा, जिनसे उन्होंने जीवन जीने का सही उद्देश्य जाना, स्वयं की आत्मा को जाना और भगवान की सही परिभाषा को जानकर उनकी सेवा की और सतत अपने दिमाग को भगवान के ध्यान में लगाए रखा। रामकृष्ण की मृत्यु के पश्चात विवेकानंद ने विस्तृत रूप से भारतीय उपमहाद्वीप की यात्रा की और ब्रिटिश कालीन भारत में लोगों की परिस्थितियों को जाना, उसे समझा। बाद में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट की यात्रा, जहां उन्होंने 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीयों के हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया। विवेकानंद ने यूरोप, इंग्लैंड और यूनाइटेड स्टेट में हिंदू शास्त्र की 100 से भी अधिक सामाजिक और वैयक्तिक क्लासेस ली और भाषण भी दिए। भारत में विवेकानंद एक देशभक्त संत के नाम से जाने जाते हैं और उनका जन्मदिन राष्ट्रीय युवा दिन के रूप में मनाया जाता है। प्रारंभिक जीवन, जन्म और बचपन। स्वामी विवेकानंद का जन्म नरेंद्रनाथ दत्ता नरेंद्र के नाम से 12 जनवरी 1863 को मकर संक्रांति के समय उनके पैतृक घर कलकत्ता के गौरमोहन मुखर्जी स्ट्रीट में हुआ, जो ब्रिटिशकालीन भारत की राजधानी थी। उनका परिवार एक पारंपरिक कायस्थ परिवार था। विवेकानंद के 9 भाई बहन थे। उनके पिता विश्वनाथ दत्ता कलकत्ता हाई कोर्ट के वकील थे। दुर्गाचरण दत्ता, जो नरेंद्र के दादा थे, वे संस्कृत और पारसी के विद्वान थे, जिन्होंने 25 साल की उम्र में अपना परिवार और घर छोड़कर एक सन्यासी का जीवन स्वीकार कर लिया था। उनकी माता भुवनेश्वरी देवी एक देवभक्त गृहिणी थी। स्वामी जी के माता और पिता के अच्छे संस्कारों और अच्छी परवरिश के कारण स्वामी जी के जीवन को एक अच्छा आकार और एक उच्च कोटि की सोच मिली। युवा दिनों से ही उनमें आध्यात्मिकता के क्षेत्र में रुचि थी। वे हमेशा भगवान की तस्वीरों जैसे शिव, राम और सीता के सामने ध्यान लगाकर साधना करते थे। साधुओं और सन्यासियों की बातें उन्हें हमेशा प्रेरित करती रही। नरेंद्र बचपन से ही बहुत शरारती और कुशल बालक थे। उनके माता पिता को कई बार उन्हें संभालने और समझने में परेशानी होती थी। उनकी माता हमेशा कहती थी कि मैंने शिवजी से एक पुत्र की प्रार्थना की थी और उन्होंने तो मुझे एक शैतान ही दे दिया। स्वामी विवेकानंद शिक्षा -1871 में 8 साल की आयु में स्वामी विवेकानंद को ईश्वर चंद्र विद्यासागर मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में डाला गया। 1877 में जब उनका परिवार रायपुर स्थापित हुआ, तब तक नरेंद्र ने उस स्कूल से शिक्षा ग्रहण की। 1879 में उनके परिवार के कलकत्ता वापस आ जाने के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज की एंट्रेंस परीक्षा में फर्स्ट डिवीजन लाने वाले वे पहले विद्यार्थी बने। वे विभिन्न विषयों जैसे दर्शन शास्त्र, धर्म, इतिहास, सामाजिक विज्ञान, कला और साहित्य के उत्सुक पाठक थे। हिंदू धर्म ग्रंथों में भी उनकी बहुत रुचि थी, जैसे वेद, उपनिषद, भगवद गीता, रामायण, महाभारत और पुराण। नरेंद्र भारतीय पारंपरिक संगीत में निपुण थे और हमेशा शारीरिक योग, खेल और सभी गतिविधियों में सहभागी होते थे। नरेंद्र ने पश्चिमी तर्क, पश्चिमी जीवन और यूरोपियन इतिहास की भी पढ़ाई जनरल असेंबली इंस्टीट्यूट से कर रखी थी। 1881 में उन्होंने ललित कला की परीक्षा पास की और 1884 में कला स्नातक की डिग्री पूरी की। नरेंद्र ने डेविड ह्यूम, इमानुअल कांट, जोहान गॉटलीब फिच, बारूच स्पिनोजा, जॉर्ज डब्ल्यू एफ हेगेल, आर्थर शोपेनहावर, ऑगस्टे कॉम्टे, जॉन स्टुअर्ट मिल और चार्ल्स डार्विन के कामों का भी अभ्यास कर रखा था। वे हर्बर्ट स्पेंसर के विकास सिद्धांत से मंत्रमुग्ध हो गए थे और उन्हीं के समान वे बनना चाहते थे।
उन्होंने स्पेंसर की शिक्षा किताब 1861 को बंगाली में भी परिभाषित किया। जब वे पश्चिमी दर्शन शास्त्रियों का अभ्यास कर रहे थे तब उन्होंने संस्कृत ग्रंथों और बंगाली साहित्यों को भी पढ़ा। विलियम हस्ती जनरल असेंबली संस्था के अध्यक्ष ने ये लिखा कि नरेंद्र सच में बहुत होशियार है। मैंने कई यात्राएं की, बहुत दूर तक गया, लेकिन मैं और जर्मन विश्वविद्यालय के दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी भी कभी नरेंद्र के दिमाग और कुशलता के आगे नहीं जा सके। कुछ लोग नरेंद्र को श्रुतिद्र भयंकर स्मरण शक्ति वाला व्यक्ति कहकर बुलाते थे। रामकृष्ण के साथ -1881 में नरेंद्र पहली बार रामकृष्ण से मिले, जिन्होंने नरेंद्र के पिता की मृत्यु पश्चात मुख्य रूप से नरेंद्र पर आध्यात्मिक प्रकाश डाला। जब विलियम हस्ती जनरल असेंबली संस्था में विलियम वर्ड्सवर्थ की कविता पर्यटन पर भाषण दे रहे थे, तब नरेंद्र ने अपने आप को रामकृष्ण से परिचित करवाया था। जब वे कविता के एक शब्द ट्रांस का मतलब समझा रहे थे, तब उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा कि वे इसका मतलब जानने के लिए दक्षिणेश्वर में स्थित रामकृष्ण से मिले। उनकी इस बात ने कई विद्यार्थियों को रामकृष्ण से मिलने प्रेरित किया, जिसमें नरेंद्र भी शामिल थे। वे व्यक्तिगत रूप से नवंबर 1881 में मिले, लेकिन नरेंद्र उसे अपनी रामकृष्ण के साथ पहली मुलाकात नहीं मानते, और न ही कभी किसी ने उस मुलाकात को नरेंद्र और रामकृष्ण की पहली मुलाकात के रूप में देखा। उस समय नरेंद्र अपनी आने वाली एफए ललित कला परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जब रामकृष्ण को सुरेंद्र नाथ मित्र के घर अपना भाषण देने जाना था, तब उन्होंने नरेंद्र को अपने साथ ही रखा। परांजपे के अनुसार उस मुलाकात में रामकृष्ण ने युवा नरेंद्र को कुछ गाने के लिए कहा था, और उनके गाने की कला से मोहित होकर उन्होंने नरेंद्र को अपने साथ दक्षिणेश्वर चलने कहा। 1881 के अंत और 1882 में प्रारंभ में नरेंद्र अपने दो मित्रों के साथ दक्षिणेश्वर गए और वह भी रामकृष्ण से मिले। उनकी यह मुलाकात उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने जल्द ही रामकृष्ण को अपने गुरु के रूप में स्वीकार नहीं किया, और न ही उनके विचारों के विरुद्ध कभी गए। वे तो बस उनके चरित्र से प्रभावित थे, इसलिए जल्दी से दक्षिणेश्वर चले गए। उन्होंने जल्द ही रामकृष्ण के परम आनंद और स्वप्न को कल्पना शक्ति की मनगढ़ंत बातों और मतभ्रम के रूप में देखा। ब्रह्म समाज के सदस्य के रूप में वे मूर्ति पूजा, बहुदेववाद और रामकृष्ण की काली देवी के पूजा के विरुद्ध थे। उन्होंने अद्वैत वेदांत के पूर्णतया समान समझना को ईश्वर निंदा और पागलपंती समझते हुए अस्वीकार किया और उनका उपहास भी उड़ाया। नरेंद्र ने रामकृष्ण की परीक्षा भी ली, जिन्होंने रामकृष्ण उस विवाद को धैर्य पूर्वक सहते हुए कहा, सभी दृष्टिकोणों से सत्य जानने का प्रयास करें। नरेंद्र के पिता की 1884 में अचानक मृत्यु हो गई और परिवार दिवालिया बन गया था। साहूकार दिए हुए कर्जे को वापस करने की मांग कर रहे थे, और उनके रिश्तेदारों ने भी उनके पूर्वजों के घर से उनके अधिकारों को हटा दिया था। नरेंद्र अपने परिवार के लिए कुछ अच्छा करना चाहते थे। वे अपने महाविद्यालय के सबसे गरीब विद्यार्थी बन चुके थे। असफलता पूर्वक वे कोई काम ढूंढने में लग गए और भगवान के अस्तित्व का प्रश्न उनके सामने निर्मित हुआ, जहां रामकृष्ण के पास उन्हें तसल्ली मिली और उन्होंने दक्षिणेश्वर जाना बढ़ा दिया। एक दिन नरेंद्र ने रामकृष्ण से उनके परिवार के आर्थिक भलाई के लिए काली माता से प्रार्थना करने कहा, और रामकृष्ण की सलाह से वे 3 बार मंदिर गए, लेकिन वे हर बार उन्हें जिसकी जरूरत है वो मांगने में असफल हुए और उन्होंने खुद को सच्चाई के मार्ग पर ले जाने और लोगों की भलाई करने की प्रार्थना की। उस समय पहली बार नरेंद्र ने भगवान की अनुभूति की थी, और उसी समय से नरेंद्र ने रामकृष्ण को अपना गुरु मान लिया था। 1885 में रामकृष्ण को गले का कैंसर हुआ, और इस वजह से उन्हें कलकत्ता जाना पड़ा और बाद में कोसीपुरे गार्डन जाना पड़ा। नरेंद्र और उनके अन्य साथियों ने रामकृष्ण के अंतिम दिनों में उनकी सेवा की, और साथ ही नरेंद्र की आध्यात्मिक शिक्षा भी शुरू थी। कोसीपुरे में नरेंद्र ने निर्विकल्प समाधि का अनुभव लिया। नरेंद्र और उनके अन्य शिष्यों ने रामकृष्ण से भगवा पोशाक लिया, तपस्वी के समान उनकी आज्ञा का पालन करते रहे। रामकृष्ण ने अपने अंतिम दिनों में उन्हें सिखाया कि मनुष्य की सेवा करना ही भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। रामकृष्ण ने नरेंद्र को अपने मठवासियों का ध्यान रखने कहा, और कहा कि वे नरेंद्र को एक गुरु की तरह देखना चाहते हैं।
और रामकृष्ण 16 अगस्त 1886 को कोसिपोरे में सुबह के समय भगवान को प्राप्त हुए। मृत्यु -4 जुलाई 1902। उनकी मृत्यु का दिन को विवेकानंद सुबह जल्दी उठे और बेलूर मठ के पूजा घर में पूजा करने गए और बाद में 3 घंटों तक योग भी किया। उन्होंने छात्रों को शुक्ल यजुर् वेद संस्कृत और योग साधना के विषय में पाया। बाद में अपने सहशिष्यों के साथ चर्चा की और रामकृष्ण मठ में वैदिक महाविद्यालय बनाने पर विचार विमर्श किए। शाम के 7 बजे को विवेकानंद अपने रूम में गए और अपने शिष्य को शांति भंग करने के लिए मना किया और 9 PM को योगा करते समय उनकी मृत्यु हो गई। उनके शिष्यों के अनुसार उनकी मृत्यु का कारण उनके दिमाग में रक्तवाहिनी में दरार आने के कारण उन्हें महासमाधि प्राप्त होना है। उनके शिष्यों के अनुसार उनकी महासमाधि का कारण ब्रह्मरंध्रा योगा का एक प्रकार था। उन्होंने अपनी भविष्यवाणी को सही साबित किया कि वे 40 साल से ज्यादा नहीं जिएंगे। बेलूर की गंगा